ये जो आप इतना सुंदर सा ब्रिज देख रहे हैं, ये है उदयपुर में हिमाचल प्रदेश के। पिछले वीडियो में आपने देखा था, हम लोग वापस आ रहे हैं त्रिलोकनाथ से, और उदयपुर पहुंचने के बाद उससे भी आगे 3 किलोमीटर केलाड़ पास, अनंतनाग, श्रीनगर की तरफ जो रोड जाती है, 3 किलोमीटर आगे उदयपुर से मड़गांव है। यहाँ पर हम लोग रात में ठहरेंगे। एक घर है, होमस्टे है, जीरा चाय। यहीं पर आते ही हमें सबसे पहले काला जीरा जिसे कहते हैं, ये कोई जंगल में निकलता है, काला जीरा, जंगली जीरा बोलते हैं किसको, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ सर्दियों में यही पीते हैं। स्वाद है, हैं? क्या है जंगली जीरे की चाय? देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और रेसिपी आज हमें देखने को मिली। इसे सत्तू बोला जाता है लाहौल स्पीति में, और गेहूं को भूनने के बाद में उसका आटा बनाया, आटा पीस लिया, पहले गेहूं को भूना फिर उसका आटा बना लिया, और इसको गर्म पानी किया हुआ है इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, टाइट रखना जरूरी है, टाइट। ये ऐसे दुकान पे भी मिलता है कि भुना हुआ आटा? नहीं नहीं, दुकान में सब तो नहीं मिलेगा। अच्छा, ये कुछ घरों का, हर घर में पड़ा, घर में भून के आटा पीस के रखते हैं। हां सत्तू, इस डिश को सत्तू जी, सत्तू। हां जी। अच्छा, इसको बाड़ी भी बोलते हैं, कुल्लू भी बोलते हैं इसको, बाड़ी भी, बाड़ी 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 बाड़ी, और कुल्लू, कुल्लू। हां जी, कुल्लू, कुल्लू ही। अच्छा, कुल्लू ही, कुल्लू नहीं, कुल्लू, कुल्लू कुछ पर आ गया। अच्छा, इसके अंदर नमक, आटा और पानी अभी तक इतना ही डाला है। आटा जो है वो पहले गेहूं को भुना और उसके बाद में उसको पीस लिया, इस तरह से किया हुआ है। अब जो इसको इस तरह से सेट किया जाएगा कि अंदर घी डाला जा सके। इसे बहुत ज्यादा पौष्टिक माना जाता है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हमारे मेहमान आते हैं या कहीं जैसे दूर दूर से आते हैं तो सबसे पहले हम इसी का वो करते हैं, ये खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छा, थोड़ा सा मीठा करके, नहीं मीठा नहीं, नमक डालें, मीठा तो चीनी का नहीं डालते। अच्छा, मीठा नहीं, सिर्फ घी डालते? नहीं नहीं नहीं, जो नमक डाल दिया हमने, जो डाल दिया। इसमें क्या क्या डाला था? नमक, बस सिर्फ नमक, कुछ नहीं, पानी, नमक और आटा, आटा बस, भुना हुआ, बस बस कुछ नहीं। तो ये रेसिपी है दोस्तों, कई जगह पर यानी कि किलाड़ पास की तरफ जाते हैं तो हमें बताया कि वहां पर इसे थोड़ा सा अलग तरीके से यानी कि घी के साथ में भी बनाया जाता है। घी सीधा ही डाल देते हैं, पानी की बजाय घी और चीनी डाल करके तो वैसे भी बनाया जाता है, और यहां पर जो है इस तरह से बनाया जाता है। इसे बाद में घी के साथ खाने के बाद में आप दाल या राजमा के साथ में भी खा सकते हैं। कल वहाँ पे ठंड थी उतनी, यहाँ पे आज ठंड नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। बाहर तो है ही, अंदर नहीं, बाहर तो है, लेकिन आज कमरा छोटा है ना तो उतना ठंडा नहीं है। कल बहुत बड़ा कमरा था तो उसको पूरी रात गर्म करने में चली गई। मेरा नाम संजय है और आप हमारे साथ में यात्रा देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। चलिए चलते हैं वापस, आज जाएंगे तांडी, केलांग, शिशु, अटल टनल, फिर मनाली, लेकिन सबसे पहले अभी चलते हैं उदयपुर। यहाँ पर माता मिर्कला देवी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक, दर्शन करेंगे और उसके बाद में बस द्वारा चलेंगे। अभी गाड़ी नहीं लेके आए हैं तो हम बस से या लिफ्ट लेके ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारा पता है हकीकत, क्योंकि गाड़ी नहीं ला पाए थे। और यहाँ पर जो टैक्सी है उनका किराया बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं ऐसे कह रहा था यहाँ पर बर्फ़ वगैरह कम है, ये थोड़ा नीचे इलाका, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। बाथरूम में भी बर्फ जमी हुई थी, पानी हर जगह, डब्बे में भी था वो भी बर्फ जमी हुई थी, सब जगह बर्फ ही बर्फ। बाथरूम में पानी का जो ड्रम था उसके ऊपर मतलब ऐसे बर्फ की पूरी लेयर जमी हुई थी। चलिए चलते हैं, अभी के ऊपर भी हालत देखो, सारी सारी बूंदे कैसे जम गई। या तो गर्म पानी डालो ना, हैं आधे गर्म पानी डाल के ना,
तब तक सब पे कहाँ पे? यहाँ शीशे पे। अच्छा गर्म था? हाँ पूरा जम गया था। अच्छा पिछले वीडियो आपने देखा ही था, हम आए थे ये अंकल जी साजे राम, तो इनके साथ में आए थे। इनका होम स्टे भी है मडगांव के अंदर, यहाँ पर हम लोग ठहरे और अभी 700 रुपये चार्ज है जहाँ पर हम लोग ठहरे। अगर आप आए तो उदयपुर के पास में यहाँ पर इनके घर पे रुक सकते हैं। उदयपुर क्या चीज है? तहसील है क्या ये? हाँ तहसील है यहाँ। और जिला लाहौल स्पीति? हाँ जिला लाहौल स्पीति, ये तहसील है, सब तहसील है। अच्छा यहाँ से आगे किलाड़ जाएंगे तो वो चंबा में आ जाता है? चंबा में आ जाता है, चंबा में। काफी ये लाहौल स्पीति जिला काफी लंबा चौड़ा है। मृकला देवी मंदिर गांव उदयपुर लाहौल स्पीति जिला है और जिला मुख्यालय केलांग से 56 किलोमीटर दूर ही है। खूबसूरत सा गांव उदयपुर। और यहां पर मृकला देवी का मंदिर जो कहते हैं कि 7वीं शताब्दी के अंदर बना हुआ है, अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति है और जो कास्ट कला है उसका भी अद्भुत उदाहरण है। और संरक्षित स्मारक भी है क्योंकि काफी पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। शुभ नाम क्या है वैसे? मेरा शुभ नाम है ठाकुरदास। ठाकुरदास जी, और ये जो मंदिर है जिस कह रहे हैं 7वीं शताब्दी में बना, किसने बनवाया और कैसे बना? ये बोलते हैं विश्वकर्मा। अच्छा विश्वकर्मा था ना? अच्छा उसने बनाया, भीम ने एक पेड़ लाया हुआ है। अच्छा पांडवों के काल से? पांडवों के अज्ञातवास के टाइम बना हुआ मंदिर बताते हैं। अच्छा इसमें आपका सबसे पहले तो इसमें गंगा जमुना है, उसके बाद विष्णु के 10 अवतार है। अच्छा। ग्रंथ में 24 अवतार बताते हैं ना पहले के, उसमें 10 ही अवतार है इसमें। अच्छा और इसमें रामायण है, उकेरी गई है लकड़ी पर। हाँ लकड़ी पर ही कार्विंग है, रामायण है। अच्छा महाभारत है और शिव जी का जो तीसरी आंख खुला था कामदेव को भस्म किया था। अच्छा वो है। अच्छा बुद्ध का भी है इसमें। अच्छा और चक्रव्यूह जो अभिमानी मारा गया था। अच्छा हाँ वो है। उसके बाद सागर मंथन है, समुद्र मंथन जो हो रहा है वो भी है। भीष्म पितामह शाये के ऊपर सो के बैठे हुए हैं। अच्छा और विष्णु भगवान के बाह्मा अवतार जो 3 कदम मांगा था राजा बलि से, स्वर्ग। अच्छा। और पाताल। हाँ जी तो वो सारे के सारे लकड़ी पर उकेरे गए, सारे लकड़ी के बुट के ऊपर ही है सारे। मैंने सुना था कि एक ही पेड़ की लकड़ी है, कैसे है वो? एक पेड़ की लकड़ी से बना हुआ मंदिर, यही मंदिर है ना ये जो है, एक पेड़ की लकड़ी से बना हुआ बताते हैं। मतलब एक ही पेड़ है? एक ही पेड़ से जो भी लकड़ी कार्विंग हुई है। हाँ, मतलब इतना जाड़ा मोटा तना था, उस तने को अंदर से खोद खोद के निकाला है। अच्छा बनाया गया है। अच्छा हाँ और जो मेन पहले की स्थापना है वो काली का खपर है। अच्छा काली का खपर किसी को बताया नहीं जाता। अच्छा वैसे वो जो मेन गुर है यहाँ का पंडित जो है, जैसे आपके पंडित अलग होता है कारदार अलग, तो गुर अलग होता है। यहाँ जो गुर है वही पंडित है, जैसे हमारे पीढ़ी खानदानी से चली आ रही है इस परंपरा में। मतलब हमारे कई पुरुष मतलब जो पीढ़ी काम करते करते गुजर गए हैं। अच्छा तो अभी तो हमारे पिताजी भी हैं, पिताजी के बाद हमारा है, हमारे बाद शायद हमारा लड़का करे इस चीज को। अच्छा तो हमारी पीढ़ी खानदानी से चली आ रही है, खानदानी से सेवा करते हैं, सेवा करते हैं इस माता। अच्छा। की और जो जैसे वो काली का खपर है उसको साल में एक बार देखा, जो महिषासुर को बात दी क्या था काली का खपर, जब खून गिर रहे थे उतने राक्षस खपर लिया था ना। अच्छा खपर में खून गिरने नहीं दिया था तब महिषासुर का वध हुआ था। अच्छा हाँ वो है मैन पहले के हिसाब। अच्छा वो है। हाँ ये बाद में चंबा के राजा उदय सिंह ने स्थापना की, उदय सिंह के नाम से उदयपुर पड़ा है। अच्छा यहाँ का जगह चंबा के राजा उदय सिंह थे। अच्छा यहाँ का जगह का नाम है मरगुल। मरगुल हाँ, यहाँ पहले टोटली 5 ही बाशिंदा घर है। अच्छा और वे जो अभी ये है कोई कुछ मयार से है, कोई जालमा से। अच्छा बाकी बाद में आके बस गए? बाद में आ गए, ये 50 साल हो गए, कोई 50-60 साल हो रहे हैं इनको आके यहाँ पर बसे हुए। अच्छा प्रॉपर जो आज का वो है वो 50-60 साल, इससे पहले 5 ही वो है। अच्छा और उससे उदयपुर से पहले मृगुल नाम था? नहीं मरगुल, मरगुल इस गाँव का नाम था, मरगुल है इस गाँव का नाम। अच्छा मरगुल के नाम से मिर्कुला माता बोलते हैं इसको। अच्छा हाँ उदय सिंह के नाम से उदयपुर पड़ा है बाद में। हाँ अच्छा। ये तो आपका 1972 तक जो है ये ओल्ड हिमाचल है, थिरोड से नीचे पहले ये हिमाचल डिस्ट्रिक्ट चंबा में था। अच्छा हाँ ये वाला पार्ट चंबा में था, चंबा में था, फिर लाहौल स्पीति में, फिर लाहौल स्पीति 1972 में ये हुआ है लाहौल स्पीति। भीम का एक शेर है टाइम का खाने का, मतलब उतना बैठ था उसका। अच्छा। उतना खाना खाया जाता था। अच्छा 1 क्विंटल 28 किलो इसका वजन है। एक क्विंटल 28 किलो? हाँ। अच्छा हाँ तो इसको बोलते हैं जैसे हमारे लाहौल में गेपन राजा आता है, जहालमा हिडिम्बा है, तिलोकनाथ है, जो भी वो आते सब वहाँ
रुका जाता है, उनके रथे वहाँ रुक दिया जाता है। अच्छा। फिर जो खेल खेला जाता है उसी एरिया में खेला जाता है, उस पत्थर के कोई कहता है उठा ही नहीं सकते उसको, इसको उठाते हैं 12 आदमी एक एक उंगली पर ना, 6 आदमी हो गए दो दो उंगली पर। अच्छा। ऐसे ही टेढ़े मेढ़े करके अब कोई लगे होते हैं उठाने। अच्छा। चले उठा लेते हैं कोई। अच्छा। फिर मैं जाके दर्शन करके आया हूँ दोस्तों। अंदर जो है मंदिर है वो बहुत ही जबरदस्त, हमने जो अब तक देखी है पत्थरों के अंदर नक्काशीदार जो मूर्तियां होती उस तरह से उकेरा गया है। चलो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी दोस्तों ये है जिसे भीम का पत्थर यहाँ पर कहा जाता है, और ये इसको उठाना जो आसान काम नहीं है, बहुत ही भारी पत्थर है। उदयपुर, ये उदयपुर का बस स्टैंड। तो अभी दोस्तों अब हम लोग हैं बस स्टैंड के ऊपर बैठे हुए, वेट कर रहे हैं, यहाँ पर दूध पियेंगे थोड़ा सा, सुबह से कुछ नहीं पिया, और यहाँ पे दूध मिलता भी बड़ा मुश्किल से है। राम राम आंटी जी, यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है कि कहीं पर भी मतलब जो होम स्टे है या गेस्ट हाउस है उनमें है तो अलग बात है, बाकी जैसे बस स्टॉप या पब्लिक टॉयलेट है वो सब जमे हुए, सब जमे हुए हैं, तो मतलब बाहर से लॉक करके बंद करके रखा है, उसके अंदर पानी जमा हुआ है, पानी जमा हुआ है तो आपको पता ही है फिर साफ सफाई नहीं रहती ना, तभी तो इधर आने के बाद ये बड़ी समस्या होती है। तो करते कहाँ है, कहीं जैसे आप पूछेंगे तो खुले में करते हैं भाई। 2 किलो के लिए दे दो, कितना किराया है? 220। एक महिला है। कितने बजे पहुंचाएगी? 11:30। यहाँ की बसें अभी खाली खाली चल रही है, ऐसे लग रहा है सिर्फ सेवा के लिए चल रही है। ऑफ सीजन में यही तो कोई नहीं चलते हैं सर अपने ठिकाने में, ऐसे इसमें चलना भी रिस्की होता है। अच्छा, बस में चलना। अच्छा। स्पीड मारता है, जमा होता पॉइंट आजकल रोड। अच्छा। जमा है। अच्छा। कहीं भी कुछ हो सकता है, इस दिस सेफ्टी बहुत कम, बहुत कम से। बिस्कुट भी अलग ही है, जमेड़ा है, लाहौली है, लाहौली। उदयपुर से केलांग, लो भी चलिए अब चलते हैं दोस्तों। आपका फुल नाम क्या है? विवेक। विवेक, बस ऐसे भी होता है कभी पूरी तरह से बंद हो जाता है? कितने दिन के लिए? एक तो महीने के लिए भी बंद हो जाती है। तो अभी दोस्तों हमारी बस द्वारा यात्रा शुरू हो चुकी है, उदयपुर से हम लोग निकले हैं और किलोंग जा रहे हैं। ये किलोंग है जिला मुख्यालय लाहौल स्पीति का हिमाचल प्रदेश के अंदर। रास्ते में कई सारे गांव आए जिसमें थिरोट, मोरिंग, यांगथांग, संसा, यांगग्राम और तांडी, उसके बाद में बिल्लिंग और केलोंग। दोस्तों हमारा ये बस द्वारा सफर बहुत ही शानदार रहा। धीरे धीरे वापस हम लोग ऊंचाई वाले स्थान पर जा रहे हैं क्योंकि 2600-2700 मीटर हाइट के ऊपर उदयपुर था, और वापस लगभग 3100 मीटर हाइट के ऊपर हम लोग अभी चल रहे हैं किलोंग। ये किलोंग का रास्ता है। करीब 2 घंटे के सफर के बाद ये किलोंग शहर हमें दिखाई दे रहा है, और बस स्टॉप पर जाने के बजाय हम लोग पहले ही यहाँ पर उतर गए। तो भाई किलोंग जिला मुख्यालय लाहौल स्पीति का, यहाँ पर हम लोग आ गए, बस से उतर गए, नींद मार ली और सिया ने पेट को की नींद ले ली। नहीं ले सकते यहाँ देखने के लिए कुछ है स्थान?
अब विंटर में तो तुम्हें कुछ खास होगा नहीं, पता नहीं सर्दियों में। हाँ जी, विंटर खुद ही देखने के लिए। हाँ हाँ, बस ठंड के मजे लो बस। क्या नाम आपका? दीपक। दीपक ठीक है जी। फिर मैंने कहा दो जगह हैं, दो जगह। हाँ दो जगह, दो चावल और दाल। दाल बस खाओ खाओ। तो अभी दोस्तों अभी यहाँ पर लॉन्ग में क्लास डब्बा है, यहीं पर हम लोग चावल और दाल खा रहे हैं। रोटियां वगैरह यहाँ पर कम ही बनाते हैं, स्पेशल डिमांड पर भले ही बना दें। गरम गरम खा लेते हैं दोस्तों, लगभग 1 बजे का टाइम हो गया। सलाद भी हम खुद ही लेके आए यहाँ से, वो काटा है। तो अभी दोस्तों खाना खा लिया, हम लोग किलोंग से निकल रहे हैं टांडी ब्रिज की तरफ। बस पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, कोई लिफ्ट मिलेगी या गाड़ी मिलेगी तब जाएंगे, तब तक पैदल ही चल रहे हैं। किलोंग बस स्टॉप पे मैंने अभी बात की है, बस नहीं है आज, बंद है, मतलब ज़्यादा बर्फ स्नो होने की वजह से। और जो कोई विशेष? और तो फिर कोई 4x4 मिलेगी, उसी में जाना पड़ेगा। मनाली 115, तांडी यहाँ से 9-10 किलोमीटर। एक्चुअली 115 अब नहीं है, ये पहले की बातें हैं। अभी अटल टनल बनने के बाद में इसमें से 45 किलोमीटर का रास्ता कम हो गया शायद। दोस्तों पहाड़ों के ओट में बसा हुआ किलोंग। फिर दोस्तों एक गाड़ी आई और उसी के अंदर हम लोग चढ़ गए। गाड़ी मनाली की तरफ ही जा रही थी। वैसे तो जो किराया होता है वो मनाली से किलोंग का 4-5 हज़ार रुपये तक का होता है टैक्सी का किराया। जा रही थी मनाली की तरफ गाड़ी तो हमें उतना नहीं देना पड़ा। ये वापस आ गया तांडी ब्रिज। और तो अभी दोस्तों यहाँ हम लोग आ गए, ये संगम हो रहा है भागा और चंद्रा नदी का। पीछे की साइड में वहाँ पर जो एक गाँव देख रहे हैं वो है तांडी गाँव, और ये तांडी ब्रिज को क्रॉस कर गया है। यहाँ पर संगम हो रहा है दोनों, चंद्रा और भागा। बारह लाचा पास है, वहाँ से तो आती है भागा नदी, और चंद्रताल है वहाँ से आती है चंद्रा नदी। तांडी गांव है, यहाँ आने के बाद में दोनों नदियों का जो संगम हो जाता है यहाँ पर। ये एक पगडंडी वाला रास्ता है नदी की तरफ जाने का, ऐसे अपने आप ही मैं फिसल रहा हूँ इसके ऊपर। गजब है यार, फिसलन हुआ है यहाँ, स्लाइडिंग सी हुआ है अपने आप ही। ये नदी का जो किनारा है पूरा का पूरा जम गया इस तरह से। जम गया, अंदर है पानी, डब डब हुआ है, डब डब। ज़्यादा तेज बहाव जो चल रहा है भागा नदी के अंदर चल रहा है, पानी काफी स्पीड से आ रहा है। ये ज्यादा ठंडी है जो चंद्रताल से चंद्र आ रही है, वो तेज चल रही है। और नदी के जितने भी किनारे हैं वो सारे जमे हुए हैं यहाँ पर, बर्फ ही बर्फ है सब जगह। यहाँ के लोग कहते हैं कि जबरदस्त अगर ठंड होगी, स्नोफॉल गिरेगी तो नदियाँ जम भी जाती है इस ऊंचाई वाली जगह पर, आगे जाकर तो नहीं जानती। और ये चंद्रा नदी दिखा दूं मैं आपको, ये बर्फ के शिला जो है ऊपर ऊपर है, नीचे पानी है, वो तो बर्फ आ ही रही है ऊपर ऊपर, देखो पूरा बर्फ 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 आ रहा है, कितना ठंडा ये पानी है। काफी शानदार और जबरदस्त लोकेशन है आज, दिल खुश हो गया इस जगह से। तांडी ब्रिज के बाद में एक बार फिर से सफर शुरू हो गया है, और दोस्तों धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे हाइट की ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तो
बहुत ही सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं बर्फ के, सड़क के किनारे किनारे, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था इसी रास्ते से हम लोग गए थे। और रास्ते में ये गोंदला फोर्ट, यहाँ पर हम लोग पैदल जा कर के आए थे, आपने देखा ही था इसका वीडियो। और इसी रास्ते से हम लोग यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर पैदल गए, 2.5 किलोमीटर वापस आए थे। और उसके बाद में ये आ गया सिसु, यहाँ पर आपने देखा था राजा गेपन का मंदिर, वो वाला वीडियो भी आपने देखा था। यहीं से हम लोग यहाँ से भी पैदल ही गए थे, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं। और इसके बाद में आ गया है सिसु गांव, दो गांव है एक्चुअली, सिसु के दो पार्ट हैं। और ये आ गई सिसु लेक, जो पूरी तरह से अभी जमी हुई है। यहाँ हम लोग नीचे भी जाकर के आए थे, आपने देखा ही था सिसु लेक के ऊपर तक। और उसके बाद में आगे ये रास्ता जा रहा है अटल टनल की तरफ। रास्ते में खूब सारे जगह पहाड़ जमे हुए हैं बर्फ के, बहुत ही शानदार रोमांचक नज़ारे। तो दोस्तों वापस हम लोग आ गए, अटल टनल क्रॉस करेंगे। और ये जो सिया कह रही थी अलग ही दुनिया, ये वापस यहाँ की यहीं रह जाएगी, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है जाने का। बहुत जबरदस्त है यहाँ का व्यू, और यहाँ पे ठंड भी जबरदस्त है, बर्फ भी जबरदस्त है। आगे का इतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ का ज्यादा अच्छा है। ऐसे लग रहा है कुछ छोड़ के जा रहे हैं पीछे। एक चीज मैं और बता दूं, आज उस टाइम जो उस दिन हमें ठंड लग रही थी उतनी ठंड नहीं है आए थे उस दिन, उसके पीछे कारण ये कि ठंड तो है लेकिन उस दिन तेज बर्फीली हवा चल रही थी, उसने हालत खराब कर दी। आज जो हवा नहीं चल रही है तो थोड़ा सहन कर सकते हैं ऐसी ठंड में। और ये इस साइड में यहाँ पर ब्रिज जिसे हम क्रॉस करेंगे।